अरे नहीं नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ सच में, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया, आपके सामने आपने खुद देखा। अरसू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत, मैं इसका भी कह रहा हूँ। इसका पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगेश है, हालात उनके खराब है। कोविड इंडिया वाले यहाँ तक पहुँच गए, नहीं यकीन आ रहा यार। सर दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। यार पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें गाड़ियां भी बड़ी अच्छी इंडिया बना रहा है, व्हीकल्स में तो दुनिया के तीसरे नंबर पे है। तो और ये हैरान हो गए, ये हैरान हो गए कि यार क्या। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। यार मजा आ जाता है देख कर यार, जब गए तो इनको वो एकदम हिल गए, कहते जो सोचे। लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है कि इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती। लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है कि इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती। नहीं मैं नहीं मानता। इंडिया का एक तो मेन वजह पता है क्या है कि वो जो लगता है कि डेवलप हमसे ज़्यादा हो रहा है, हमारे अंदर के डिस्प्यूट्स जो है ना, हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ही ख़त्म नहीं हो रहे जी। हमें भी उस तरह के काम करने चाहिए जो इस तरह लोग जिससे मुतासर हों। ये मुतासर कुन सीन थे और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें जेलस होने वाली बात है। अगर इंडिया ने किया तो हमें भी उसी राह में जाते हुए इससे अच्छा काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत सरकार भारत के अंदर सिंगापुर और हांगकांग जैसा हाईली डेवलप शहर विकसित करने जा रही है और इसे देखकर चाइना पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। नहीं सीरियसली चांद पे चलेंगे ना, उनको इकोनॉमी जरा हाई हो गई है, तो इस वजह से चांद पे जाने की वजह से उनकी इकोनॉमी हाई हो गई है। नहीं उनके हम बानी है, हमारे पास कोई है नहीं। हमारे पास मलिक रियाज भी तो है। मलिक रियाज वो क्या करता है यार, वो कुछ चोरी करके करप्शन कर रहा था हर चीज में। उन्होंने अपने जो लॉन्ग टर्म थे ना आइडियाज वो लेके चले हैं, हमारे तो अपने मसाइल मुल्क के नहीं खत्म हो रहे। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी एजुकेशन का मियार वो बेहतर बनाना होगा, ठीक है? उसकी वजह ये है कि एजुकेशन है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम जो अब दरअसल भारत सरकार अंडमान निकोबार आइलैंड श्रृंखला के आखिरी आइलैंड ग्रेट निकोबार में 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत ही ज्यादा शानदार शहर बनाने जा रही है। यह शहर सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहरों की तरह हाईली डेवलप और एडवांस होगा और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी होंगी। 75,000 करोड़ रुपए के इस निवेश में भारत सरकार ग्रेट निकोबार में अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह के साथ कई और अन्य चीजें बनाएगी। यह शहर पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, साथ ही साथ भारत की सुरक्षा में भी इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार से भारत चाइना को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और हिंद महासागर में चाइना को अपनी शक्तियों को फैलाने से भी रोक पाएगा। कुल मिलाकर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इस शहर का मकसद यही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पर्यटकों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव हमें हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सके। दूसरा मकसद यही है कि इस शहर की वजह से भारत चाइना के और ज्यादा करीब पहुंच सके और भारत चाइना की सारी गतिविधियों पर नजर रख सके, भारत चाइना को उसकी शक्तियों का विस्तार करने से भी रोक सके और चाइना को कड़ी टक्कर दे सके। इस शहर के निर्माण का कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है और इस शहर की वजह से भारत में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, अब मैं ये कह सकता हूँ कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख गया। उसकी वजह क्या होती है? फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आ। अब ये कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होम, अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे बाकी छुट्टी करेंगे, तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी है और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं।
अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ में फेस, क्योंकि हमारे काले भाईजन यहां फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ हमने पढ़ना नहीं, तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे, इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं मैरलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी क्योंकि उन्हें बैचलर मिली नहीं रही। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाई इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको डायस्पोरा, मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको यह भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दो कंट्रीज के दौरे पर जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1,00,000 इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है, वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पर, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था कि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं, रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पर एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि 1 रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे, आप आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट, मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाने चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ही दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी, मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने, चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, थोड़ा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप आईएमएफ से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, अपना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें, 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये, 66 दिनों में बनाई। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, 100 डे के अंदर। तो आरजू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं, सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं, ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त